आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। कि बुद्ध पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है और बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा वैशाख महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस साल 2019 में यह 18 मई को है। इस दिन को भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध को बौद्ध यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह बुद्ध अनुयायियों के लिए काफी बड़ा त्यौहार है। इसी दिन 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में 80 साल की उम्र में देवरिया जिले के कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों एक ही दिन अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और यह पर्व बुद्ध अनुयायियों के लिए काफी महत्व रखता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हैं। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है और यह पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 5 भिक्षुओं को दिया था। माना जाता है कि बैसाख की पूर्णिमा को ही भगवान विष्णु ने अपने 9वें अवतार के रूप में जन्म लिया था। इसी दिन को सत्य विनायक पूर्णिमा के तौर पर भी मनाया जाता है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा गरीबी को दिनों में उनसे मिलने पहुंचे थे, तो इसी दौरान जब दोनों दोस्त साथ बैठे तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को सत्य विनायक व्रत का विधान बताया था और सुदामा ने जरूरत को विधिवत किया और उनकी गरीबी नष्ट हो गई। इस दिन धर्मराज की पूजा करने की भी मान्यता है। कहते हैं कि सत्य विनायक धर्म से धर्मराज खुश होते हैं और माना जाता है कि धर्मराज मृत्यु के देवता हैं, इसलिए उनके प्रसन्न होने से अकाल मृत्यु का जो डर है वो खत्म हो जाता है। भगवान बुद्ध ने समाज में मौजूद घोर आडंबर, पशु और नरबली वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया था और बुद्ध ने मानव कल्याण का उपदेश दिया था। श्रीलंका में वैशाख उत्सव के रूप में से मनाया जाता है, जो वैशाख शब्द का अपभ्रंश है, और इस दिन वहां पर बौद्ध घरों में दीपक जलाए जाते हैं और फूलों से घर को सजाया जाता है। दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोध गया आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, तो इसका महत्व इतना ज्यादा है। हिंदू में वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन तीर्थ स्थलों में गंगा स्नान का लाभ बताया गया है, इसे पापनाशक बताया गया, लेकिन वैशाख पूर्णिमा का अपना अलग महत्व। इसका कारण यह बताया जाता है कि इस माह होने वाले पूर्णिमा को सूर्य अपने उच्च राशि मेष में और चांद भी अपने उच्च राशि तुला में होता है। कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन लिया गया स्नान कई जन्मों के पापों का नाश करता है, यही का बताया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन दान पुण्य और धर्म कर्म के अनेक कार्य किए जाते हैं। इस दिन मिष्ठान, सत्तू, जलपात, वस्त्र दान और पितरों का तर्पण करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।